एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, एक जो नियम है ज्योतिष शास्त्र का उसके बारे में बात करेंगे। वो आजीविका के लिए है, नौकरी के लिए है, तो उसकी चर्चा करेंगे हम। तो सर्वप्रथम जो सूत्र है, जो नियम है, उसको हम समझ लें और फिर उसको अपने कुंडली में उसको देखेंगे। तो आप जो भी लग्न कुंडली हो, जो नियम बता रहे हैं उसको देखिए। वो आजीविका के लिए है। तो जब भी हम आजीविका के लिए या कर्म के लिए जो बात करते हैं, तो उसके लिए दशम भाव के बात करते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, और साथ साथ में जो करियर के लिए है, सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, शनि है, ये जो अच्छी स्थिति में कुंडली में होंगे, तो जातक का जो भी जातक और जातिका है, उनकी आजीविका नौकरी बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकती है। तो जो नियम है वो ये है कि नवम भाव और दशम भाव जो है उनका बहुत महत्व होता है। ये नवम भाव कर्म भाव है, और जो नवम भाव आपका भाग्य भाव है, दशम भाव आपका कर्म भाव है। इनकी अगर युति हो या केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छे अंशों में हो, तो ये जातक के लिए बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। तो इस तरह से हम अपनी कुंडली में देखें कि अगर आपका आजीविका जो करियर जो है वो अच्छे से चल सके, और उसके लिए दशम भाव और भाग्य भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जब भी मजबूती की बात करते हैं या अच्छी बात करते हैं, तो जो होना चाहिए कि दशम भाव का स्वामी और बारह भाव का स्वामी जो भी बनते हैं, वो अगर केंद्र में होते हैं, वो त्रिकोण भाव में होते हैं, केंद्र पहला, चौथा, सातवां, दसवां भाव, त्रिकोण पांचवा, नौवां, इनमें अगर वो भाव बैठते हैं, वो उच्च राशि के हों, स्व राशि के हों, मित्र राशि के हों, या वो अंश अच्छे हों, लग्न भी मजबूत हो, और साथ साथ में जो उनको सपोर्ट करने के लिए जो गुरु है, सूर्य है, शनि, चंद्र, इनकी भी कुंडली में अच्छी स्थिति आपके करियर के लिए, आजीविका के लिए बहुत अच्छी कहलाएगी। तो आप जो सूत्र है उसको हम यहाँ लागू कर रहे हैं। हमने बोला कि कर्म भाव का स्वामी, तो यहाँ मंगल बनता है, वो केंद्र में उच्च का है, बहुत अच्छी स्थिति है। फिर भाग्य भाव के बोला था, तो नवम भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च का है, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। साथ में बोला था कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, सूर्य की स्थिति अच्छी हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, तो वो भी अगर अच्छे, जो भी सपोर्ट के लिए जितने अच्छे होंगे वो कुंडली के अंदर, तो वो अच्छे फल देंगे। तो आप अपने कुंडली में इस तरह का देखें कि जिस तरह से यहाँ पे दशम भाव का स्वामी की स्थिति अच्छी है, बारह भाव के, नवम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, उच्च की है, और साथ साथ में सपोर्टिंग के लिए शनि, चंद्र और सूर्य को देखें, वो अच्छी स्थिति में होंगे, तो आपकी कुंडली को हम बोल सकते हैं कि इस तरह से दशम भाव जो है कर्म भाव है, और भाग्य भाव दोनों की मजबूत स्थिति होने से आपको, आपका जो दशम भाव से हम कर्मों को देखते हैं, आत्मविश्वास देखते हैं, आजीविका को देखते हैं, करियर देखते हैं, राज्य प्राप्ति को देखते हैं, कीर्ति को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं, पिता के सुख को देखते हैं, विदेश यात्रा को देखते हैं, तो इन ये सब जितने भी हमने बताया उसके में वृद्धि होगी और उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो ये सफलता सूत्र था, और नवम भाव, दशम भाव, धर्म भाव और कर्म भाव का जितना अच्छा तालमेल होगा, कि उनकी युति भी हो सकती है, मंगल और बृहस्पति अगर उनकी युति हो, दृष्टि संबंध हो, जैसे मंगल और बृहस्पति का दृष्टि संबंध भी यहाँ बन रहा है, इस तरह की स्थिति हो, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। तो इस तरह से आप अपनी नौकरी में जो जो हमने बताया, उस भाव से जो जो हम देख रहे हैं, उनका विस्तार होगा, वृद्धि होगी, और अच्छा करियर आपका रहेगा, आजीविका अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा।
चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल है एस्ट्रा सिंप्लीफाइड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। और साथ साथ में आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीफोन से आप परामर्श कंसल्टेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।